वीडियो में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव किया था, आज हम इसे बकायदे ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे कि वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं या नहीं। हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके साथ एक मैथ अटैच किया हुआ है, ये हमारा मैथ था जिसे हम लोगों ने सम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक अप्लाइड फोर्स लगा के खींचा था इसकी मेन पोजीशन से। इस तरह से हमने एक फोर्स लगाई थी, ये हमारी अप्लाइड फोर्स थी जो हमने अप्लाई की थी इसको खींचने के लिए। ये पॉइंट कहते थे हमारा ओ पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है। जैसे ही हम ये अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हमने कहा था होता ये है कि हमारा जो स्प्रिंग है अपनी मेन पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है इस फोर्स के लगाने की वजह से। अगर ये पॉइंट ओ फिक्स था तो अब हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसने इतना डिस्प्लेस किया, यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट इस मैथ ने कवर किया है, स्क्रीन को एक्सटेंड किया है यहाँ इस पोजीशन ए पर आने के लिए। और ये तब हुआ है जब हम लोगों ने कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स लगाई थी और इसको एक्सटेंड किया था, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस की थी स्क्रीन के अंदर। और जैसे ही हम ये फोर्स हटा देते हैं, ये अप्लाइड फोर्स ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं स्क्रीन को, तो होता ये है जैसे कि लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि स्प्रिंग वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है और मेन पोजीशन पर आकर दोबारा रुक नहीं जाता बल्कि अपनी मूवमेंट को कैरी ऑन रखता है। लेकिन अब की बार ये डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करता है मेन पोजीशन पर आने के बाद। मेन पोजीशन पर आ तो गया है और मेन पोजीशन पर जब आया है तो ये अपने अंदर जमा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आया। अब ये इनर्शिया की वजह से और अपने अंदर जमा हुई रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, ये जो मैस है ये अपनी ओ पोजीशन से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। इसे अगर हम लोग ए बैच कह लें और ये हमारा फिक्स पॉइंट था तो अब हमारा स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, यानी कि अब हमारे जो स्प्रिंग है ये मैस है उसने स्प्रिंग को जो कंप्रेस किया है तो उसने भी मेन पोजीशन से इतना डिस्प्लेसमेंट शो किया है। और हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो हमारे तय करदा हुआ डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं इस चीज़ को एक ग्राफ पर प्लॉट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकती हूँ। प्लॉट करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे वाकई काफ़ी हद तक वाजा हो जाता है कि हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग कहाँ तक एक्सटेंड होता है और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो वो मेन पोजिशन पर किस तरीके से आता है। जैसे कि इस इमेज में ये हमारी इक्विलिब्रियम या फिक्स पॉइंट है जहाँ पर हमारा स्प्रिंग स्टेबल है। जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो स्प्रिंग है वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है और मेन पोजीशन पर आने के बाद जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है और बैकवर्ड से दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आता है और मेन पोजीशन पर आकर अपनी मूवमेंट को बारी बारी जारी रखता है। अगर हम इस तरह से कह दें कि हमारा जो ओ है ये इस वक्त पॉइंट जीरो पे है, ये जीरो पॉइंट पर पड़ा हुआ है और जैसे हम इसको एक्सटेंड करते हैं यानी ए इसे कह देते हैं ये तकरीबन 2 मीटर पे पहुंच जाता है, 2 मीटर डिस्प्लेस किया है इसे और फिर वापस अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाता है और जीरो पोजीशन से दोबारा जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है स्प्रिंग को कंप्रेस करता है तो जो ए बेस इसने ट्रैवल किया वो भी तकरीबन 2 मीटर ही ट्रैवल किया और इसे करने के बाद यहाँ पर रुकता नहीं है बल्कि दोबारा से जो हमारा स्प्रिंग है वो अपनी मेन पोजीशन पर दोबारा से पहुंच जाता है इस तरीके से। थोड़ा सा हमसे गलत हो गया था, यानी कि दोबारा वो अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है। पहले वो मेन पोजीशन पर था कि हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, जैसे ही हम फोर्स छोड़ देते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर जीरो पर आता है और जीरो पर आकर स्टेबल नहीं हो जाता बल्कि पीछे की तरफ मूव करता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। हमने कहा कि वो जो ए बैक डिस्प्लेस वो करता है वो भी कह देते हैं कि 2 मीटर ही करता है और 2 मीटर के बाद वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आता है। अगर इस चीज़ को हम ग्राफ में प्लॉट करें इस तरीके से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें कि हमारा जो मैथ है उसकी जो मोशन है वो 0 से 2 और 2 से -2 के दरमियान है, यानी 2 डैश के दरमियान है, इसे माइनस कर देना चाहिए था। ये देखिए ये हमारी मेन लाइन जो कि 0 को रिप्रेजेंट करती है, 0 से ऊपर 1, 1 से ऊपर 2 और अगर इससे नीचे आए, अगर 0 से हम लोग नीचे की तरफ आए तो अब हमारे पास -1 और -2 में इस तरह से डिजिट्स आ जाती हैं।
ये हमारा जो पोर्शन है ये ए वाला है और ये ए डैश वाला है, और ये जो जीरो है ये हमारी ओ पोजिशन वाली बात है। सबसे पहले जो हमारा मैथ है या बॉडी है वो जीरो पोजीशन पे थी, पॉइंट ओ पे जीरो पर थी, और जैसे ही फोर्स लगती है तो हमारा जो स्प्रिंग है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, वो तकरीबन 2 मीटर ऊपर जाता है इस तरीके से, और 2 मीटर पर जाकर दोबारा जो है वो जीरो की तरफ आता है, ये दोबारा जो है वो हमारा जीरो की तरफ आ गया, यानी कि ओ से जो है ए पर गया 2 और फिर ए से दोबारा ओ पर आ गया। इस पोजीशन को मुझे ओ कहना चाहिए, ओ और ये जीरो दोबारा ओ पर आ गया, और ओ पर आने के बाद दुखता नहीं है बल्कि अपने अंदर जमा शुदा रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये जीरो पर आकर रुकता नहीं है बल्कि दोबारा नेगेटिव पॉइंट जिसे हम लोग ए डैश कहते हैं 2 मीटर तक डिस्प्लेस करता है, और 2 मीटर से दोबारा जो है वो ए की तरफ आ जाता है, मतलब जीरो की तरफ आता है, पॉइंट ओ पर आ जाता है, दोबारा इस पोजिशन पर आ जाता है, यानी कि ओ से ए तक गया और ए से दोबारा ओ पर आया, और ओ से दोबारा जो है ए डैश पर गया और ए डैश से दोबारा जो है ओ पोजिशन पर आ गया। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट है वो इस तरह से स्टार्ट करता चला जाता है और ये मूवमेंट आगे की आगे फॉरवर्ड होती चली जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आता है, ये साइनसोइडल वेव की तरह का हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है। इस तरह से एक वेव कंप्लीट होती है, लेकिन एक वेव कंप्लीट होने के बाद इतनी मोशन को स्टॉप नहीं कर देता बल्कि इसकी मोशन होती चली जाती है, वक्त के साथ साथ जो हमारे स्प्रिंग की मूवमेंट है वो स्लो होती चली जाती है। अगर फर्स्ट मोशन में फर्स्ट वाइब्रेशन में वो 2 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो अगली वाइब्रेशन में हो सकता है वो 1.5 तक आ जाए, उसके बाद 1 फिर 0, यानी कि आगे फिर हमारे पास जो वेव आना शुरू हो जाती है वो थोड़ी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है, थोड़ी 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 करते करते बिल्कुल ही प्लेन हो जाती है, बिल्कुल ही एक स्मूथ सर्फेस के साथ उसकी जो है मूवमेंट आ जाती है और वेव मोशन खत्म हो जाती है। और जैसे ही वेव मोशन खत्म होती है तो उस वक्त जो हमारी बॉडी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आकर स्टेबल हो जाती है, यानी इस तरीके से कि पहले वेव ज़्यादा होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल ही कम हो जाता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बिल्कुल स्टेबल हो जाती है कि जो वेव है बिल्कुल मेन लाइन के इक्वल आना शुरू हो जाती है। और हमारी इस मोशन के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी की मोशन है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही स्टार्ट हो। वेव मोशन बनाने के लिए हम किसी भी पॉइंट से वेव बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है हम तब वेव मोशन बनाना शुरू करें जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो या वो बिल्कुल ही लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, जैसे कि -2 की पोजीशन से। अगर यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ग्राफ डिफरेंट आएगा, अगर हम ए से स्टार्ट लेना शुरू करेंगे तो हमारा ग्राफ डिफरेंट आएगा। तो इस तरीके से हम मुख्य साइनसोइडल वेव जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मोशन होती है ग्राफ की सूरत में हमेशा वो साइनसोइडल वेव की तरह ही आती है। तो ये वो ग्राफ है जिनसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ड्रॉ कर सकते हैं कि जब वो जीरो और बिल्कुल ऑफ पोजीशन पर होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है, इक्विलिब्रियम कह लेना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है तो बिल्कुल जीरो पॉइंट पर होती है, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड करते हैं इसकी मेन पोजीशन से तो ये ए पर पहुंच जाता है, और जैसे ही फोर्स को छोड़ते हैं दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम ए लेफ्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम की तरफ जाता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, और उसके बाद जब स्प्रिंग को रिलीज करता है वेग यानी खुद ही रिलीज होता है रिस्टोरिंग फोर्स के बाद, तो दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाता है और मेन से दोबारा इसी तरह हाई लो पोजीशन पे अपनी मूवमेंट को दोबारा से रिपीट करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन को पूरा करता है स्प्रिंग के एग्जाम्पल में। सिमिलरली पेंडुलम की एग्जाम्पल में इसी तरह होता है, हर वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करे उसका ग्राफ सिमिलरली इस तरह से हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।